पदार्थ हो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, घोटाला तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार ने जिस तरीके से 40,000 तो गीता जयंती पर फिजूल खर्ची की गई है विपक्ष कहता है, जिसको लेकर सरकार के मुखिया हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि डंके की चोट पर आगे भी खर्च करते रहेंगे। इसी मसले को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कहा वो सुने। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो आयोजक थे वही इस बारे में बता सकते हैं। नहीं पता करेंगे अब किस संदर्भ में क्या हुआ है, हेमा मालिनी को क्या काम दिया गया था या किसी सांसद को अगर पैसे दिए हैं तो क्यों दिए हैं, जब तक पूरी जानकारी ना हो मुझे कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं। सीएजी वैसे भी करता है हर चीज़ की जांच करता है सीएजी। सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। चलिए अब रुक करेंगे चर्चा का, कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम को ये साफ है कि जन चेतना को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, कैबिनेट मंत्री अनिल विज को आपने सुना जिनको जानकारी नहीं है इस मसले की कि खर्च किया गया, किस तरह से किया गया, सांसद को कितने दिए गए, क्यों दिए गए पैसे। स्वाभाविक है कि जो विज साहब हैं या दूसरे कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं सबके पास सारी की सारी जानकारी गई हो ये आवश्यक नहीं है। और उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही है कि कहीं कर किसी स्तर पर किसी की चूक कहीं पर मान लीजिए सतह पर आती है तो सरकार किसी को बख्शेगी, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे तो पहले आपत्ति है साहब, जिस अंदाज में आपने आज की चर्चा ओपन की और हमारे विपक्ष के मित्र भी कर रहे हैं कि फिजूल खर्ची की गई, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं के हवाले से ये बात मैं वही कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, मुझे इसी पर आपत्ति है। मुझे अभी तक की स्टेटमेंट नहीं है, मुझे इसी बात पर आपत्ति है बहुत विनम्रता से कि भगवद गीता के आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए नियमानुसार ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर कोई खर्च किए गए तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद को, उनकी पार्टी के नेताओं को या हमारे प्रतिपक्षियों को फिजूल खर्ची दिखाई देती है। आरटीआई सबका अधिकार है, आरटीआई आपने लगाई, एक मिनट मुझे एक वाक्य कहने दीजिए, आरटीआई लगा दी, आरटीआई किसी ने आपको बहुत सुना, हमने आप बहुत बोली है, हमने भी सुना है, आरटीआई लगाना सबका अधिकार है, आरटीआई से कोई जानकारी मिल गई उसको घोटाला कह देना ये अज्ञानता है। नहीं जनता का भला क्या हुआ उससे, मैं बता खर्च से आएंगे आपके पास बताइएगा, मैं कांग्रेस से जानने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस तो नहीं मानती ना, इनको तो भला जस जनपद के भले में दिखता है। मेहता जी बात पूरी कीजिए अपने, इनको इनको कांग्रेस के इनको जनता का भला ही तो मैं नहीं दिखता, विराम दीजिए अदरवाइज ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, अकेले इनको बुला लीजिए कर ताकि विपक्ष की आप ये देखिए ज्योति, ये पहली बार नहीं हुआ जब इन्होंने इस तरीके के घोटाले किए हैं, इससे पहले है ही नहीं, बेटी फिर भी बीच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर भी जब इन्होंने गेट बनवाए थे तो केवल 1.25 करोड़ रुपया एक गेट पर खर्च हुआ था, लैपटॉप के बैग बांटे गए थे और मग्स बांटे गए थे, उससे बता दीजिए कितनी बेटियां बचनी थी और कितनी बेटियां बची हैं। तो ये जो पहली बार नहीं हुआ है, ये इन्होंने गौ सेस एजुकेशन सेस तो पहले लगता था, अब गौ सेस लगा रहे हैं और दूसरा ये स्वच्छता अभियान सेस लगा रहे हैं, इसके नाम पर जो हार्ड अर्न मनी लोगों की टैक्स पेयर्स की है उसको गाड़ी कमाई का लुटाने का हक किसने इनको दे रखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इल्जाम लगाते थे कि हमारे लिए खड्डे छोड़ के गए हैं, 80,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गए हैं, आज जब सरकार 1.5 लाख करोड़ का कर्ज हर एक इंसान के ऊपर यहां पर इस हरियाणवी के पास है तो उसके बावजूद ये खाइयां उसमें ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो कभी भी भर ना पाए। आप टेम्पररी जो इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट करा रहे हैं उसके ऊपर आप 7,20,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, ये कहां से जस्टिफिकेशन है? टेम्पररी 2 लाख के थैले खरीद लिए जाते हैं, 3 लाख के मोमेंट लिए जाते हैं, 6 लाख रुपए जादूगर को दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए जादूगर को 6 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए की अपराध क्या है इसमें? प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया के तहत खर्चे किए गए हैं, इस पर किसी को क्यों आपत्ति है? क्या आधार है आपके पास? आपने कैसे कह दिया कि घोटाला है? एक आयोजन हुआ, ज्योति जी 5,90,000 एक आयोजन में दूध पानी क्यों किसी को पिला दिया, इस पर इनको आपत्ति है? जिन्होंने लोहा पानी आकाश पताल सब खा लिया, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, वो भगवत जोर से कौन बोल रहा है, जोर से कौन बोल रहा है, चिल्ला कौन रहा है, आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे,
आप ये बताइए की कोशिश कर रहे हैं क्या किसानों की आय इससे दोगुनी हो जाएगी, क्या गरीबी मिट जाएगी, हरियाणा पर सरकार जो है वो कम हो जाएगा? अगर जन सरोकार है, जन चेतना है, तो भगवत गीता का संबंध जन सरोकारों से है और ये किसान के विरोध में नहीं है। दोनों चीजों का टकराव जादूगर सम्राट को 6 लाख रुपए। एक मिनट प्लीज देखिए, कुरुक्षेत्र की डीसी अपने खुद के ट्रस्ट को 9 एकड़ जमीन दे देती है 50 लाख रुपए मैप को बनाने की, जो मैप की जो पास करने की जो कॉस्ट है वो भी सरकार को नहीं देती है। मैप पास कराए बिना बिल्डिंग बनवा रही है। हाँ। एक ट्रस्ट जो कि कुरुक्षेत्र की वर्तमान डीसी का है, और बड़ी गजब देखिए, 6 एकड़ जमीन का आज के दिन में रिकॉर्ड है। 3 एकड़ जमीन जो उसके बाद में दी है उसकी लीज डीड तक जो है इनके पास में अवेलेबल नहीं है। हाँ। उसे भी ये घोटाला नहीं मानते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा मालिक है फिर इस देश का, भगवान मालिक है इस देश का, इस सरकार का भगवान मालिक है, जिसको ये पता नहीं है कि सही और गलत में फर्क क्या है। मैं उत्तर दे रहा हूँ बिना कैबिनेट की अप्रूवल के जमीन अलॉट की जा रही। अंबाला के एक बाबा जी के ट्रस्ट को बिना कैबिनेट की अप्रूवल के जमीन अलॉट की जाती है, उस जमीन की लीज नहीं होती है, उस जमीन पे बिल्डिंग खड़े होने के लिए कोई मैप बिल्डिंग रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इसका उत्तर ये दे दे मुझे। सीधी सपाट बात ही मैं ये कह रहा हूँ कि भगवत गीता का मेरी बात का सीधा उत्तर दीजिए, सीधा उत्तर दे रहा हूँ इनको। अगर ये चुप रहेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, बात शुरू कीजिए। उत्तर ये है कि भगवत गीता की जयंती का उत्सव भव्य तरीके से हमने मनाया, इस बात से इनको परेशानी है और ये उससे जुड़े ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। पानी क्यों पिलाया, पानी पर खर्चा क्यों आ गया, दूध पर खर्चा क्यों? अरे सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, आपकी बारी में नहीं बोला था मैं। पानी पर खर्चा क्यों हो गया, मेमेंटो पर क्यों हो गया, गीता पर क्यों हो गया, टेंट पर क्यों हो गया, बिजली, सुन तो लीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं आप, एंकर नहीं है। जो जब कभी कोई इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है जिसमें 28-30 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर खर्च होता है, और जो खर्च हुआ है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो नियम है नियम कायदों के अनुसार हुआ है, इसलिए उसको घोटाला करार देने वाले खुद घोटालेबाज हो सकते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। रही बात जहां तक मेरी जानकारी है, रविंद्र ढुल जी कुछ भी दावा करते रहे, चाहे किसी को जमीन आवंटित की गई हो, चाहे इस भव्य आयोजन के ठेके दिए गए हो, चाहे खरीदारी की गई हो, सारी चीजों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो आकाश पताल लोहा स्पेक्ट्रम सब खा गए, लाखों करोड़ खा गए और हम पर सवाल पूछने चले हैं। जमीन दे दी, ट्रांसपेरेंसी, आप कुछ भी कहते रहे, मैं कह रहा हूं आपको, आरटीआई में कह रहा हूं, हमने जो किया, हमने जो किया, अशोक अरोड़ा ने क्या कहा है वो एक बार सुन लेते हैं। नेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा क्या कहते हैं वो एक बार के लिए सुनते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। ऐसे को इस प्रकार से बर्बाद करना किसी को अधिकार नहीं। हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे सांसद ने जो मांग उठाई है उन्होंने भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होकर जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने इस पैसे को, जो जनता का पैसा है, उस प्रकार से बर्बाद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये बात उठाई थी कि 30 लाख रुपये मथुरा की सांसद को दिए गए, जो कि इनकी पार्टी की है, 30 लाख वो दिए गए, प्लस उनके रहने का, खाने का, ठहरने का, 5 स्टार होटलों में रुकने का। तो इस प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कलाकार हैं, ऐसी ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो अच्छा कलाकार प्रस्तुत करके मनोरंजन कर सकती है। वादा जब कुर्सियों का खर्चा कुर्सियों की कीमत से ज्यादा था, ठीक उसी प्रकार इन्होंने इस प्रकार करने का। तो अशोक अरोड़ा को आपने सुना, इनेलो लगातार हमलावर है। इस मसले को लेकर सरकार पर कांग्रेस भी आरोप लगाती रही, साथ ही आम आदमी पार्टी, हालांकि कोई वर्चस्व भले ही ना हो उसकी ओर से भी आरोप लगाए गए हरियाणा सरकार पर। आएंगे चौहान साहब आपके पास, राजेंद्र सिंह को हम जोड़ ले, ब्रेक के बाद वो नहीं जुड़ पाए हैं चर्चा में। राजेंद्र सिंह जी, क्या लगता है कोई नेगेटिव मैसेज जनता में जाएगा कि जनता परेशान है? पहले से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार खर्च कर सकती है, सरकार इस तरह के खर्च करती है। सूबे के मुखिया कहते हैं कि डंके की चोट पर आगे भी खर्च खर्च कर दिया क्या?
मैंने बताया करप्शन का मामला भाषा है, मैंने भ्रष्टाचार का सीधा मामला बताया करेंगे भी आपने चौहान साहब किया है भगवान की भ्रष्टाचार का भी मामला देते हैं किस तरह से भगवान का जो खर्च को फिजूल खर्ची आप कहेंगी तो मैं रोकूंगा आपको, ये मेरा अधिकार है। भ्रष्टाचार का भगवान जी का भगवान की खर्च करना भगवान गीता पर खर्च करने को फिजूल खर्ची कहने का अधिकार आपको भी नहीं है। नहीं, आरटीआई से जो खुलासा हुआ जो अपराध किया क्या जनता समझने की कोशिश कर रही है आपको आपको मिलना आप लोगों ने बहुत शुरुआत में कहा श्वेत पत्र आप लोगों किया गया है, जनता जनता क्या समझे फिर खर्च में, अगर कम खर्च में आयोजन हो सकता था, अगर आपने इतने बड़े सामने आते हैं तो मैं इस तरह के या इतने शब्द का इस्तेमाल उसको लेकर करूंगी। ज्योति जी, जो भी हमने खर्च किए हैं भगवद गीता पर इससे अधिक भी खर्च किया जा सकता है। हाँ। ये छोटी सोच के लोग हैं जो भगवत गीता के आयोजन पर हुए खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। भगवत गीता इस देश की विरासत है, इस प्रदेश की धरोहर है। ये लोग जो राजेंद्र सिंह जी जिन लोगों ने 60 साल के राज में गीता गंगा सरस्वती का नाम नहीं लेने दिया, दर्द उनको हो रहा है। ये भगवत गीता का जिक्र क्यों है, दर्द तो इस बात का है। 60 लाख में निपटा देते थे छोटा सा आयोजन करके। किसी भी सरकार को जिम्मेदारी मिलती है, लोग टैक्स देते हैं, उससे खजाना बनता है। अब उस खजाने का को किस तरह से उपयोग करना है, ये प्राथमिकताएं तो तय होनी चाहिए कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कई जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं और घर का मुखिया सैर सपाटे पे चला जाए। हाँ। तो ये तो नहीं कह सकते कि सैर सपाटा या पर्यटन बिल्कुल ही कोई उसका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां जरूरत है कुछ और भी हो। हाँ, और फिर वो सैर सपाटे पर निकल जाए। प्रायोरिटी जो है प्राथमिकताएं तो तय होनी चाहिए, जनता को संदेश क्या जाएगा, देखा जाना चाहिए कि हमें क्या है सरकार की प्राथमिकताएं। देखिए आयोजन अच्छा है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप भी दे दिया गीता को, लाखों लोगों को लाभ हुआ, जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी दे दिया गया, वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो है कलाकारों में कटौती भी हो सकती थी। हाँ। अगर उनके भी काम चलता है, लोग देखते भी हैं उन कलाकारों को। चौहान साहब, हरियाणा की कलाकारों को कितना इनाम दिया गया, कितनी राशि दी गई, कितना सम्मान दिया गया? भगवत गीता का जो इतना भव्य आयोजन हुआ, अगर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ये कहें कि हरियाणा के कलाकारों की उपेक्षा हो गई तो ये गलत है। जो इन्होंने आरटीआई लगाई है उसी में विवरण इस बात का भी मिल जाएगा कि ये इनको दो बड़े कलाकार जो स्थापित नाम हैं इंडस्ट्री के, वो संयोग से हमारे सांसद भी हैं, उन पर हुआ खर्च तो दिख रहा है। इसके अलावा भी हजारों की संख्या में और अन्य अन्य कलाकार जिनमें स्थानीय भी बहुत थे, उन पर भी व्यय हुआ है। ये कह देना कि केवल इन पर खर्च हुआ है, सेलेक्टिवली आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मंशा गड़बड़ी। देखिए ज्योति, यदि इनके दो सांसद धर्म के नाम पर इतने बड़े आयोजन की श्रीमद् भागवत गीता के प्रमोशन के लिए होते हुए आयोजन में 30-30 लाख रुपए लिए बिना जो है अपने वहां पर जाकर के अपनी प्रस्तुति नहीं दे सकते, मैं तो ये कहता हूं, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की धर्म के सेवक होने की जो इमेज है उसके ऊपर मुझे पूरी तरह से शक होता है। बहुत बड़ी बात है। छोटी बात वो है 30 लाख रुपए एक दिन के आयोजन के लिए, बहुत छोटी बात है एक सांसद के लिए जो कि जनता की सेवा करने का प्रण लेता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो गीता के नाम पर आयोजन तो करती है, गीता की बात करती है, जहां कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि के हर एक कण में व्याप्त हूं, मैंने बताया वहां पर आप 38-38 हजार की बात जाकर के बांटते हैं। मैं बहुत चीजें, मेरी बात का बिल्कुल इन्होंने उत्तर नहीं दिया, मैंने घोटाला बताया। उनको बनाया गया है, हेमा मालिनी की हम बात कर रहे हैं, रंजिता मेहता जी, लेकिन अकेले कुरुक्षेत्र की बात कर ली जिसके पर्यटन को लेकर सरकार दम भी भरती है। पिछले 2 सालों के दौरान करीब 2 दर्जन विदेशी पर्यटक यहाँ आए होंगे, उसकी संख्या में इजाफा नहीं हुआ। मैं यही तो कह रही हूँ ज्योति कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। इस परियोजन में भी इन्होंने 19 लाख जो है इन्होंने केवल हवाई यात्राओं पे खर्च किया है इस परियोजन के लिए। तो कहते हैं ना कि केड़ा, एक पंजाबी में कहावत है, हरियाणवी की तो मुझे नहीं आती, पंजाबी में कहावत बताती हूँ कि केड़ा तेरे पल्ले जाना है पर बुक लुटा दे। ठीक है, मैं बता रही हूँ, गली दिखाई कुत्ते बहके दूध पिला दे। आप ही देखिए कि आज विदेशी पर्यटक कितने आते हैं, बिल्कुल क्या सेवाएं मिलती है, किस तरह से पर्यटन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, क्षेत्र को कितना विकसित किया गया,
नानी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। मैं ये कह रही हूँ धरातल, मैं ये कह धरातल के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पैसे खर्चने के लिए, बिल बनाने के लिए और अपने एजेंटों को पैसे कमाने के लिए काम किए जा रहे हैं। ये जिनका ये पूरा ये देखिए, आप ये देखिए कि गाय के नाम पर ये कितना सेस लेते हैं और आज गाय में मर रही है, डेढ़ लाख गाय सड़कों पर घूम रही है, जिनको एक उसमें मर चुकी है, वो इनको दिखाई नहीं देती। ज्योति जी, जिनको जिनको फर्जी बिल बनाने का अभ्यास है उनको लगता है कि इसमें घोटाला है, हमने जो भी काम किया है नियमानुसार किया है, जिनको जो भ्रष्टाचार के ये हम तो डंडे की चोट पे करेंगे ये बात कहते हैं। ये क्योंकि चोरी चकारी कांग्रेस का काम रहा है, फर्जी बिल बनाते रहे हैं। ये आरटीआई में जानकारी जो मिली है उससे क्या घोटाला साबित हो गया? मैंने जो बताया मैंने बताया उसका उत्तर दिया, सुनते तो नहीं हो एक ही मैंने आपको फिगर बताया। हमने जो भी काम किया नियमानुसार किया और भगवद गीता और भारतीय संस्कृति के दूसरे जो तत्व हैं उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए हमको खर्च करने में कतई संकोच नहीं है। हरियाणा का जन जन इस मामले में हमारे साथ है। ज्योति जी क्या इस तरह की बदतमीजी करने के लिए बुलाते हैं स्टूडियो में? क्या इस तरह की बदतमीजी? ज्योति जी आपने इनको माफी मांगने के लिए कहिए, इनको माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहती ज्योति जी आप? इनको इनको माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कह रहे? ये इनको इनको माफी मांगने के लिए ज्योति जी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर ज्योति जी। ये आप इनको इनको कहिए, इनको कहिए कि ये इस तरह की भक्ति भक्ति और संसदीय भाषा ना बोले। इनको इन्होंने इन इनको इनको मुझसे व्यक्तिगत रूप से बदतमीजी करने का अधिकार आपने दिया क्या ज्योति दी? आपने दिया क्या? क्या इन्होंने माफी मांगी? क्या आप इनकी निंदा करेंगे? व्यक्तिगत बदतमीजी का अधिकार क्या आप पेनल्टी रेट में देंगी? क्या आपने इनको रैंक दिया है? ज्योति जी सिंपल सी बात है, भाषा का इस्तेमाल आपका चैनल दे रहा है क्या? ये लाइसेंस आपने इनको कहा क्या माफी मांगने के लिए? इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी आपके चैनल में बैठ कर कोई गाली दे मुझे और मुझे गाली दे व्यक्तिगत रूप से आप सुने? ज्योति जी मुझे मुझे मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से आपने मैं उत्तर दे रहा हूँ, व्यक्तिगत भाषा पर असंसदीय भाषा का लाइसेंस देंगे के ऊपर नहीं आने देंगे। आपका चैनल इनको असंसदीय भाषा पर इस्तेमाल कर देखिए, इन्होंने इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गलत है, इस तरह के शब्दों का हमारी और आपकी टैक्स
स्पेंग मनी कहिए, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बड़ी बेसिक सी चीज, 2011 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और उसके बाद में 2012 में हमारी हाईकोर्ट का फैसला आया था, जब कांग्रेस सरकार ने सुभाष गई को जमीन अलॉट की थी, उसको खारिज करते हुए सरकार, माननीय कोर्ट ने कहा था, बिना पब्लिक नोटिस के, बिना इंटेंट मांगे, किसी को भी यदि कोई पॉलिटिशियन जमीन अलॉट करता है वो गैर कानूनी समझी जाएगी। इस वर्तमान केस के अंदर बिना किसी इंटेंट के, बिना किसी पब्लिक नोटिस के, एक निजी ट्रस्ट को जिसका एक मेंबर हरियाणा के सिटिंग आईपीएस है और एक मेंबर जो हरियाणा के सिटिंग आईएएस है, और खुद के अपने ट्रस्ट को उन्होंने जमीन वहां पर जो है अलॉट की, उसको भी ये घोटाला ना माने तो मुझे तो इनकी बुद्धि के ऊपर संशय होता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे एक संशय होता है, इनको ये इतना भी नहीं कह सकते कि इंक्वायरी कराएंगे, ये इतना भी नहीं कहेंगे इंक्वायरी कराएंगे। मैंने नियमों का वेलना बता दिया, अभी भी ये मेरी सोच के ऊपर आएंगे। पैनल से क्या आप ये आश्वासन देंगे, चूंकि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं करप्शन को लेकर, जी, क्या सरकार जांच करवाएगी, क्या ना मानेंगे? अगर ज्योति जी, मुझे इंडियन नेशनल लोकदल की सोच और जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं उस पर सीधे तौर पर तरस ही आता है। और नहीं तथ्यात्मक नहीं, सुन लीजिए, अब डॉल साहब चुप, आपको सुना मैंने, आप मेरी सुन लीजिए, आप अपने ट्रस्ट को अलॉट कर देंगे? अरे सुन तो लीजिए महाराज, अरे सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, सुनेंगे नहीं तो क्या? आप अपनी ही कहते रहेंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने जो भी काम किया है नियमों के को ध्यान में रखते हुए किया है, फिर भी सुन लो ढोल साहब, सुन लो, उसके बावजूद रोक लीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं किसी एक आरटीआई लगी, उसमें कोई सूचना आई, उसको लोगों ने घोटाला कहना शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहराता हूं, सुनिए तो, अब मुझे जवाब मैं दे रहा हूं ज्योति जी, आप बोल रहे हो बीच में, ज्योति जी मैं पहले कह रहा हूं, मैं अगर आप सुनेंगे नहीं तो उत्तर कहां से आएगा? मेरा ये कहना है, मैं फिर कहता हूं कि हमने नियमानुसार काम किया है, लेकिन अगर कहीं किसी ने चूक की होगी या किसी से हुई होगी या की होगी, सुनियोजित भी की होगी, कोई भी हो, उसको बख्शेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता उसको बख्शने का। लेकिन प्रश्न यह है कि गीता को लेकर जितनी इनको परेशानी हो रही है, ये कोरी राजनीति है, ये कोरी राजनीति है, और हम डंके की चोट पर आगे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चोर हम पर सवाल उठाएं, हमको इस पर आपत्ति है, चोर हम पर सवाल उठाएं, हमको इस पर आपत्ति है। लोग जानते हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि पैनल पर बीजेपी प्रवक्ता की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर किसी तरह की धांधली हुई, घोटाला हुआ, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अगर उनमें किसी भी तरह की सच्चाई हुई तो जांच जरूर करवाई जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरकार ने जिस तरीके से 40,000 के लिए स्पष्ट तौर पर